प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गद्य काव्यकार सुबंधु दंडी एवं बाणभट्ट कवित्रय के अंतर्गत इनकी रचनाओं के विषय में अध्ययन करेंगे। संस्कृत के प्राचीन गद्यकारों में सुबंधु दंडी एवं बाणभट्ट आते हैं, किंतु इनके पौर्वापर्य में विद्वान एकमत नहीं है। कुछ समीक्षक सुबंधु दंडी एवं बाणभट्ट तो कुछ दंडी सुबंधु एवं बाणभट्ट को क्रमशः इस तरह स्वीकारते हैं। बी वरदाचार्य ने बाण दंडी एवं सुबंधु को क्रमिक स्थान दिया है। कृतियों के समाज चित्रण के आधार पर दंडी बाणभट्ट से पूर्व के सिद्ध होते हैं। कविराज ने इनके पौर्वापर्य को इस प्रकार क्रम दिया है, सुबंधु बाण भट्टश्च कविराज इति त्रयः, वक्रोक्ति मार्ग निपुणाश चतुर्थो न ही विद्यते। कविराज ने दंडी का उल्लेख नहीं किया, किंतु बाण से पूर्व सुबंधु को स्थान दिया है। ए बी कीत ने लिखा है, धर्म कीर्ति के काल के विषय में साक्ष्य प्राप्त होता है, उसको दृष्टि में रखते हुए सुबंधु को सातवीं शताब्दी के द्वितीय पाद पर रखा जाना चाहिए और बाण के समकालीन मात्र थे, जिनकी कृति बाण की कृति के पूर्व ही प्रसिद्धि को प्राप्त हो गई थी। बाण के विपरीत सुबंधु ने हर्षवर्धन के आश्रय को न पाया होगा और हम ये कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने किसी अन्य राजधानी में रहकर अपना प्रणयन किया होगा। दंडी के काल के संदर्भ में भी पर्याप्त मतभेद हैं। डॉक्टर बलदेव उपाध्याय ने दंडी को बाण का परवर्ती सिद्ध किया है, किंतु डॉक्टर शांति कुमार नानुराम व्यास ने दंडी को पूर्ववर्ती कहा है। अधिकांश विद्वान दंडी सुबंधु एवं बाण को पौर्वापर्य रूप से स्वीकारते हैं। दंडी के समय निर्धारण की स्थिति विवादास्पद है, किंतु दशकुमार चरित को भौगोलिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर कवि को छठी शताब्दी के लगभग स्वीकार किया जाता है। अंतः साक्ष्य के आधार पर दंडी दक्षिणात्य सिद्ध होते हैं। राजशेखर ने शारंगधर पद्धति में दंडी की तीन प्रतियां कही हैं, त्रयो अग्नयस्त्रयो देवास्त्रयो देवास् वेदास्त्रयो गुणः त्रयो दंडी प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुतः। काव्यदर्श एवं दशकुमार चरित दंडी की असंदिग्ध कृतियाँ हैं। अवंती सुंदरी कथा भी दंडी की कही जाती है। काव्यदर्श अलंकार शास्त्र का लक्षण ग्रंथ है। दशकुमार चरित एवं अवंती सुंदरी कथा गद्य रचनाएं हैं। इस प्रकार कवि का दशकुमार चरित गद्य साहित्य की उत्कृष्ट रचना मानी जाती है। जैसे कि कहा गया है, जाते जगति वाल्मीकौ कविरित्याभिधा अभवत है, कवि इति ततो व्यासी कवयस्त्वयि दंडिनी। इसमें दश कुमारों की कथा को कहा गया है, अन्वित किया गया है कि भिन्न भिन्न कथाओं के होने पर भी निरंतरता का गुण खंडित नहीं हो पाया है, अपितु पाठक की रुचि जिज्ञासा के साथ तीव्रता लिए रहती है। कथाओं की सुरुचिपूर्ण कुतूहल के साथ युगीन समाज का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। इस प्रकार दंडिनः पदलालित्यम के संदर्भ में कहा गया है कि दंडी की शैली सुभग एवं मनोरम वैदर्भी रीति की है। उनके वर्णन सरल एवं प्रासाद गुण संपन्न है। अलंकारों का प्रयोग भी नहीं के बराबर है, इसी कारण उनकी शैली नृसंगिक प्रभावपूर्ण एवं मंझी हुई मुहावरेदार है। सुबंधु की स्थिति काल के संदर्भ में भी विद्वानों के बीच पर्याप्त मतभेद है। कीत ने बाण के समकालीन कहा है, इनके विषय में किसी प्रकार की प्रामाणिक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। सुबंधु की एकमात्र कृति वासवदत्ता प्राप्त है। वासवदत्ता की कथा अत्यंत प्रसिद्ध रही है। राजकुमार कंदर्प केतु एवं वासवदत्ता की प्रणय कथा को नवीन उद्भावना के साथ व्यक्त किया गया है। यह आख्यायिका विभिन्न संघर्षों के साथ सुखांत है। कीत ने सुबंधु की शैली के संदर्भ में लिखा है, सुबंधु के अनुवादक ने उदारतापूर्वक दीर्घ एवं निरंतर समासों में एक वास्तविक स्वयमाधुरी डेढ़ डेढ़ पंक्तियों के शब्दों का संस्कृत से भिन्न किसी भाषा से समता नहीं की जा सकती। अनुप्रासों का शानदार शांतिप्रद संगीत, श्लेषों की गाढ़ संक्षिप्तता, जो अधिकांश में अर्थ गौरव एवं द्विध औचित्य के वस्तुतः है, वे रत्नाकर है। इन गुणों का उनके लिए दावा किया है कि वस्तुतः सुबंधु अलंकार प्रदर्शन की दौड़ में कथा के जीवंत रूप को छोड़ चले जाए। स्वाभाविक के स्थान पर कृत्रिमता भी इनके काव्य में दिखाई देती है, चित्रात्मकता भी दिखाई देती है। गद्य साहित्य में श्लेष प्रयोग की दृष्टि से सुबंधु की तुलना में अन्य कवि नहीं ठहर सकता। अब अंतिम जो बाणभट्ट है कवित्रय के अंतर्गत,
ये संस्कृत साहित्य के कुछ एक प्राचीन कवियों में एक बाण भट्ट भी है, जिनकी स्थिति काल के संदर्भ में विद्वानों में मध्य मतभेद नहीं है। कवि ने अपने जीवन के संदर्भ में पर्याप्त रूप से उल्लेख किया है। कवि बाण हर्षवर्धन की राज्यसभा के प्रतिष्ठित विद्वान रहे। हर्ष का जन्म 590 ईस्वी में हुआ। उन्होंने भारत पर 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक राज्य किया। और इस तरह चीनी यात्री ने अपनी डायरी में हर्ष के शासन का विस्तृत उल्लेख किया है। तो कह सकते हैं कि बाण भट्ट ने अपनी जीवन परिचय विषय में विस्तारपूर्वक लिखा है। बाण भट्ट को आश्रय दिया था हर्ष ने, तो राजा हर्ष ने हर्षवर्धन ने, और बाण भी हर्षवर्धन के समकालीन थे। अपने गद्य काव्य हर्षचरित में सम्राट हर्ष के राजाश्रित रहने का परिचय भी कवि ने दिया है। यह एक आख्यायिका है। और इसके साथ ही इन्होंने इनकी जो कवि ने अपनी कृतियाँ कादंबरी एवं हर्षचरित, दो इनके मुख्य गद्य काव्य इनका मिलता है। और हर्षचरित के प्रथम से तृतीय उच्छ्वास तक स्वयं के संदर्भ में विविध संकेत सूत्र दिए हैं। इसी प्रकार कादंबरी के आरंभ के 20 श्लोकों में 10 से 20 तक अपने वंश का उन्होंने परिचय दिया है। और ये एक प्रकार की आख्यायिका है। बाण के पूर्वज शोण नदी के किनारे प्रीतिकूट नगर में रहते थे। इस प्रकार से इन्होंने अपने परिजनों के विषय में और ये कहाँ निवास करते थे इन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। प्रीतिकूट बिहार के शाहबाद जिले में रहा है, ऐसा माना जाता है। वात्सायन वंशीय ब्राह्मण परिवार में कुबेर नामक विद्वान वेदाध्यवसायी हुए और कुबेर के यहाँ दूर दूर से विद्यार्थी वेदाध्ययन करने के लिए आते थे। उनके यहाँ यजुर्वेद और सामवेद का गान होता था। इस तरह का उल्लेख है। अब हम बाण का सृजन के विषय में लें तो बाण ने हर्ष के जीवन के संदर्भ में हर्षचरित नामक गद्य काव्य का प्रणयन किया। दूसरी इनकी कृति है कादंबरी। कादंबरी में हर्षचरित एक ऐतिहासिक आख्यायिका है। महाराज हर्षवर्धन के जीवन चरित्र को लेकर के लिखी गई है। ये इतिहास से संबंधित है। इसी प्रकार से इनकी जो दूसरी रचना है कादंबरी, वो एक काल्पनिक है। इसे एक उपन्यास की श्रेणी में रखा जा सकता है। और इसके अंतर्गत गद्य कादंबरी गद्य भाग के पूर्व भाग और उत्तर भाग दो भाग है। पूर्व भाग में शुकनासोपदेश प्रसंग है, जिसमें उज्जैनी के राजा तारापीड के मंत्री का नाम शुकनास है और तारापीड और शुकनास प्रगाढ़ स्नेह के कारण एक दूसरे से अधिक संपृक्त थे। और शुकनास बहुत विद्वान था, पंडित था। वह राजा चंद्रापीड जो है ना, एक राजकुमार होता है चंद्रापीड, उसे नैतिक शिक्षा की देता है। वह छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से उसे, क्योंकि वह भावी राजा बनेगा, इसलिए भावी राजा के लिए व्यवहारिक ज्ञान भी अपेक्षित है। यद्यपि उसने विद्या अध्ययन, शास्त्रों का अध्ययन, संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया, लेकिन व्यवहारिक ज्ञान के बिना ये सब अधूरा है। तो शुकनास उसे व्यवहारिक ज्ञान देता है। और इस प्रकार से ये बाण भट्ट की जो कादंबरी है वह एक विस्तृत, बहुत विस्तार पूर्वक लिखी गई एक काल्पनिक उपन्यास है।